हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। तो जावा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ईफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं और उसके ऊपर कोड करने वाले हैं गाइस, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पिक डाउनलोड करके रखा हूँ, उसमें आपको पता चलेगा। मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ पिक के द्वारा। ये देखो, ये फ्लो चार्ट है ईफ एल्स स्टेटमेंट्स का। जैसे कि मतलब अगर हम कोड करते हैं तो अगर कंडीशन ट्रू रही तो कंडीशनल ट्रू वाला जो स्टेटमेंट है, मतलब ट्रू रही तो उसके अंदर का जो कोड है वो प्रिंट हो जाएगा। आइदर फॉल्स रहा तो डायरेक्ट एल्स वाला कोड प्रिंट हो जाएगा। इसलिए इफ़ एल्स ऐसा बोलते हैं, इफ़ रहा तो ये, अगर नहीं तो ये, ऐसा, ठीक है। तो मतलब ट्रू फॉल्स कंडीशन इसमें एप्लीकेबल होती है और कुछ नहीं। उसके अंदर हम कंडीशन अप्लाई करके प्रिंट करवा सकते हैं अपने स्टेटमेंट को, बस इतना सा फ़र्क है। अब ये फ्लो चार्ट, ये समझे या ना समझे कोई बात नहीं, तो हम डायरेक्ट कोड करते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पर फाइल बनाकर ओपन करके रखा हूँ, तो मैं स्टार्ट करता हूँ गाइस। पहले एक एग्जांपल ले लेता हूँ इंट एज का। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इंट एज 10 दे देता हूँ, एज 10 है। और अभी यहाँ पर हम इफ एल्स स्टेटमेंट लगाते हैं। अगर एज जो है स्मॉलर देन इक्वल्स टू, मतलब एज अगर स्मॉलर देन इक्वल्स टू 18 है तो प्रिंट कर दे अपना ये स्टेटमेंट, तो अभी बच्चा है, ठीक है। तो ये हम डाल देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा इजी एग्जांपल ले रहा हूँ। तो आइदर एल्स में अगर ट्रू रहा तो वो प्रिंट हो जाए, अगर फॉल्स रहा कंडीशन, अगर ट्रू रही तो ये प्रिंट हो जाए, अगर फॉल्स रही तो ये प्रिंट हो जाए, यू आर अडल्ट, ठीक है। तो हम रन करते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ उसको टर्मिनल को, ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझे, ठीक है। ये देखो फाइल भी बन गई और रन हो गया। ये देखो, तू अभी बच्चा है। तो मतलब मैंने एज 10 लिया था तो ऐसा प्रिंट हुआ। अगर एज में 20 या 10 प्रिंट हो रहा है, हाँ 20 ले लेता हूँ, तो देखो यू आर अडल्ट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो हो गया। तो अगर अपने को इफ़ और एल्स स्टेटमेंट है ये, तो आपको ये समझा होगा। तो अगर अपने को और कंडीशन लगानी है, बहुत सारी कंडीशन लगानी है, तो मतलब कंडीशन भी आपकी एप्लीकेबल होनी चाहिए, जैसे कि आप बहुत सारे कंडीशन लगा पाओ और उसमें प्रिंट कर पाओ, अगर ये रहा तो ये रहा तो ये, ऐसा। तो अगर बहुत सारी कंडीशन लगानी है तो इसमें इफ एल्स के बदले एक और कंडीशन आती है, मतलब एक और स्टेटमेंट है एल्स इफ। शायद मैंने स्पेलिंग गलत डाल दिया था, ठीक है। तो एल्स इफ में क्या होता है, कंडीशन तो डालूं मैं, एज अगर स्मॉलर ग्रेटर देन ले लेते 18 से बड़ा रहा, एंड में क्या होता है, दोनों कंडीशन अगर ट्रू रही तो, ऐसा, ठीक है। और एज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 60 ज़्यादा नहीं हो गया, 40 ले लेते, ठीक है। ये देखो, तो यहाँ पर इसमें प्रिंट करवाते हैं तू अडल्ट है, इसमें डाल देंगे और इसमें, ठीक है, तू बुढ़ा है इसमें डाल देंगे। अगर 18 से छोटा रहा तो तू बच्चा, ऐसा प्रिंट हो जाएगा। इधर थोड़ा मैं ऐसा स्पेस दे देता हूँ, ऐसा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर एल्स इफ में अगर एज 18 से बड़ा और 40 से छोटा है तो टू अडल्ट है, ऐसा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये वाली कंडीशन अगर ट्रू रही, और एंड में दोनों ट्रू होना चाहिए, और में कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो प्रिंट हो जाती है। ये कंडीशनल है तो आपको पता होगा, मतलब ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं इस चीज़ को। ये पूरे कंडीशन को कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं। हम यहाँ पर कंडीशन भी दे रहे और ऑपरेटर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं इसको, ठीक है गाइस। तो फिर एल्स में क्या होता है कि ना, मतलब अगर इन दोनों की कंडीशन अगर ट्रू नहीं हुई तो डायरेक्ट ऑटोमेटिकली एल्स प्रिंट होकर चले जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि इफ एल्स स्टेटमेंट में ना हमेशा कोई ना कोई एक तो प्रिंट होना ही है, चाहिए या एल्स वाला, कोई ना कोई तो प्रिंट होना ही है, ठीक है। ये देखो मैं रन करता हूँ, हमने तो 20 रखा था तो अडल्ट है, मैं 40 अबाव दे देता हूँ, 45 दे देता हूँ, तो एल्स वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, तो बुढ़ा है, ठीक है। तो अगर तो बच्चा वाला तो अपन ने प्रिंट कर ही दिया था। तो एक हम क्या करते हैं कि ये मतलब स्कैनर क्लास से ना एक इनपुट लेके फिर ऐसा करते, ऐसा ट्राई करते, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं,
ये तो आपको समझा होगा, इंट CGPI का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। CGPI, मैंने CGPI बना दिया हूँ, एंड देन स्कैनर तो ले लूँ मैं, स्कैनर ही नहीं ले रहा हूँ। स्कैन इसमें क्या करते हैं हम, ठीक है, मतलब यूज़र से इनपुट अगर लेते तो हम स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट के कुछ वीडियो में, ठीक है। सिस्टम डॉट इन सिस आउट करते हैं, यहाँ पर क्या बात है, सिस आउट आ ही नहीं रहा गाइस, कुछ और ही हो रहा है यहाँ पर। तो कभी कभी अपना VS कोड भी अपने को धोखा दे जाता है, सिस आउट नहीं आता। हम यहाँ पर थोड़ा आलसी पना करते हैं, ठीक है। तो मैंने उठाकर वहाँ का सिस आउट उठाकर यहाँ पर डाल दिया, तो एंटर योर CGPI हम यहाँ पर लेते हैं। अभी अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इनपुट भी तो लेना चाहिए। CGPI इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, इंट है वो CGPI जो है इंटीजर है, ठीक है। तो अभी हम कंडीशन यहाँ पर इफ़ एल्स इफ़ लगाकर कंडीशन अप्लाई करते हैं। CGPI अगर स्मॉलर देन ग्रेटर देन 8 रहा तो गुड CGPI प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। अगर कंडीशन तो डालू मैं और CGPI smaller than 8 and CGPI greater than 6 greater than equals to 6, ठीक है। तो अगर greater than equals to 6 है, सिस आउट करते हैं और यहाँ पर हम डाल देते हैं एवरेज CGPI ऐसा डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया था, ठीक है, तो हमने ये डाला। तो अभी एक इफ और एल्स स्टेटमेंट एक और ले लेते हैं, ठीक है, एल्स इफ। और इसमें हम क्या करेंगे, CGPI स्मॉलर देन 6 एंड CGPI ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। इसमें क्या करेंगे हम, नॉर्मल वन जस्ट क्लियर वर्क हार्ड, ठीक है, और लास्ट वाला एल्स दे देते डायरेक्ट। इसमें क्या करते हैं, पास हुआ बड़ी बात है, ठीक है। तो हमने दे दिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्लास भी इंपोर्ट कर लिया, सब कुछ कर लिए, इफ एल्स कंडीशन दे दिए, अभी पूरा सब कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो पूरा आप कंडीशन अगर ये देखो, CGPI अगर 8 से बड़ा रहा तो गुड CGPI आएगा, आइदर 8 से छोटा रहा या फिर CGPI 6 से बड़ा रहा तो एवरेज CGPI आएगा, और 6 से छोटा और 5 से बड़ा रहा तो नॉर्मल वन जस्ट क्लियर ऐसा आएगा, ठीक है। एल्स में ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम रन करते हैं, यूज़र से इनपुट ले रहे हैं और हम रन कर रहे कोड को, तो ये देखो एक छोटा सा एरर आया, देख लेते क्या है वो भी। यहाँ पर हमने प्राइवेट नहीं, बराबर है, सब कुछ बराबर है, ठीक है। तो हम रन करवाते हैं कोड को, रेसेस का एरर था गाइस, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पर रन करता हूँ, ये देखो अभी तो दो एरर आ गया बता रहा है, आई गेस हमने स्पेस नहीं दिया है, ये देखो हमने क्या किया है, यहाँ पर स्पेस नहीं दिए कुछ जगह पर, ठीक है।
तो अभी अपना कोड रन हो गया, तो ये देखो इंटर योर सी जी पी आ रहा है, तो मैं यहाँ पर 7 डालता हूँ, ये देखो एवरेज सी जी पी आ गया अपना। इफ़ मतलब सबसे पहले हमने 7 डाला था तो एंट्री और सी जी पी हुआ, तो उसने इंटर नेक्स्ट इंट से रीड किया हमारा डेटा और फिर चेक किया इफ एल्स कंडीशन पे कहाँ पर है 7 का, मतलब 7 हमने यहाँ पर क्या दिया था सी जी पी 8 से अगर छोटा रहा 6 से बड़ा रहा तो 6 भी उसको चलेगा, मतलब इक्वल्स टू है, तो सी जी पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू हमने दिया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, तो मतलब 6 से लेके 8 तक, तो हमने 7 प्रिंट किया था, मतलब 7 पुट किया था, तो एवरेज सी जी पे आ गया। फिर इफ एल्स में आगे मतलब वहाँ पर प्रिंट हो गया तो यहीं पर कंडीशन ब्रेक हो जाती फिर चली जाती, बाकी ये सब तो वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये था अपना इफ एल्स कंडीशंस। तो हमने एक एग्जांपल भी ले लिया था सी जी पी आई का, स्कैनर क्लास यूज़ करके यूज़र से इनपुट लेके भी हमने प्रिंट करवा दिया है गाइस। ठीक है, तो अभी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, जाने से पहले आप वीडियो को शेयर कर देना गाइस और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना गाइस और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना गाइस। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।